वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। एक सवाल हमेशा कॉमन सवाल है, ये पूछा जाता है कि अगर किसी के जोड़ों में ग्रीस कम हो जाए या खत्म हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाएगा, दूसरा घुटनों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी, तीसरा घुटनों में कट-कट की आवाजें आनी शुरू हो जाएगी, चौथा कार्टिलेज डैमेज होनी शुरू हो जाएगी और जो हड्डियों के सिरे हैं वो आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो इवन ऐसा भी हाल हो जाता है कि चलने फिरने में इंसान असमर्थ हो जाता है, सीढ़ियां चढ़ना है, सीढ़ियां उतरना है, उठना है, बैठना है, हर काम में उनको तकलीफ आनी शुरू हो जाती है जिनके जोड़ों में ग्रीस कम होनी शुरू हो जाती है। अब जोड़ों में ग्रीस कम हो गई है तो चाहे कुछ भी हो जाए इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, किसी भी तरीके से किया जाए। और आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि अपने जोड़ों में अगर ग्रीस कम हो रही है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको संक्षेप से ये सारा बताऊंगा कि क्या कारण है और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ग्रीस कम हो गई है तो फिर उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, वो गलत सोच है। 100% इसको बढ़ाया जा सकता है, बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं जिनसे ग्रीस को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि मांसपेशियां भी सुदृढ़ हो जाएंगी, जिससे हड्डियों में जान आनी शुरू हो जाएगी और आप दोबारा से अपना हेल्दी लाइफ जो है वो जीना शुरू कर देंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम ग्रीस को दोबारा से बढ़ा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वो है आपकी एज। उम्र ज्यादा होने के साथ साथ ग्रीस, जो जोड़ों में ग्रीस है वो कम होनी शुरू हो जाती है और इसी वजह से दर्दें आनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं एक एज के बाद दर्दों से पीड़ित होना शुरू हो जाते हैं, ये पहली वजह है एज फैक्टर। दूसरी जो इसकी वजह है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। हिंदुस्तान में 15 करोड़ से ज्यादा लोग बुजुर्गों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से ग्रीस कम होनी शुरू हो जाती है और जोड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, सोजिश आनी शुरू हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा, बहुत सारे लोग जो हैं वो लग्जरी लाइफ जीते हैं, सोफे पे सारा सारा दिन बैठे रहना है, कुर्सी पे सारा दिन बैठे रहना है, आरामदायक गद्दों पे सोना है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है, तो उस आरामदेह जिंदगी की वजह से भी घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द आना शुरू हो जाता है और ग्रीस कम होनी शुरू हो जाती है। इसके अपोजिट बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स भी हैं जो जिम में जाते हैं और पूरा लोड उठाते हैं और वो पूरा लोड जो है वो घुटनों के ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये वेट बेयरिंग ज्वाइंट है, तो उसके ऊपर जैसे ही घुटनों के ऊपर दबाव आता है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है चाहे वो एथलीट हैं, तो अल्टीमेटली समय के साथ साथ जोड़ों में दर्द और ग्रीस बननी कम हो जाती है। इसके अलावा जो लोग बहुत खट्टा खाते हैं, बहुत ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, उनके भी जोड़ों में दर्द आना शुरू हो जाता है और ग्रीस की कमी आनी शुरू हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आयुर्वेद में भी कहा जाता है, आयुर्वेद का ये मानना है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, उससे जोड़ों में दर्द आना शुरू हो सकता है और ग्रीस में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये हालांकि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद ऐसा मानता है और मैं भी हमेशा ये कहता हूं कि पानी हमेशा बैठ के और दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ हमेशा स्वस्थ रहे, राइट। तो ये वो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ग्रीस में कमी आनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे उन वो तीन जबरदस्त नायाब चीजों के बारे में जो नेचुरल हैं और जिससे कि ग्रीस को बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो अगर आपकी भी घुटनों में ग्रीस कम हो रही है, जोड़ों में ग्रीस कम हो रही है, जिसकी वजह से चलना फिरना उठना बैठना बहुत मुश्किल हो गया है, जोड़ों में सूजन आ गई है, जोड़ों में कट-कट की आवाजें आ रही हैं, तो सबसे पहली जो चीज आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो है शकरकंदी, यानी कि स्वीट पोटैटो। शकरकंदी एक ऐसी चीज है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, जिसके अंदर बहुत तरह के मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं और इसके अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। कैल्शियम हड्डियों के लिए बड़ी कमाल की चीज है, इसके साथ साथ मांसपेशियों को भी सुदृढ़ करती है शकरकंदी। और जो सबसे खूबसूरत बात शकरकंदी के अंदर देखी जाती है वो ये कि इसके अंदर हायलुरोनिक एसिड पाया जाता है, जो मेन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्रीस बनाने का काम करता है, स्पेशली ग्रीस बनाने का काम करता है। हालांकि इसके इंजेक्शन भी आते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी, लेकिन वो चीज जो इंजेक्शन आते हैं वो हायलुरोनिक एसिड जो है शकरकंदी के अंदर पाया जाता है, जिसको आप खाना अगर शुरू कर दें तो ये घुटनों में ग्रीस बनानी शुरू कर देगा, कैल्शियम भी मिलेगा। सोचिए
आपको तरह तरह के मिनरल और विटामिन भी मिलेंगे। ठीक है, ये हो गई पहली चीज शक्करकंदी। दूसरी चीज, अगर आपके घर में अलसी हो तो मजा आ जाएगा, नहीं तो बाजार से भी ला सकते हैं। आपको क्या करना है, अलसी को हल्का सा सेकना है, ठीक है, और उसको ठंडा करके पाउडर बना लीजिए। और हर रोज मीठा अनानास का जूस होना चाहिए, मीठा। आपने एक कप अनानास के जूस में 2 चम्मच अलसी के बीज के पाउडर डाल के हर रोज पीने हैं। किसी दिन अनानास का जूस पीने का नहीं दिल किया, या आप चाहते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 बार जूस पीऊंगा, तो आप पानी से भी उसको ले सकते हैं। उसके अंदर, अलसी के पाउडर के अंदर भरपूर मात्रा में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, इतने सारे मिनरल और विटामिन मिलेंगे कि जो आपके जोड़ों की हमेशा सुरक्षा करने में आपकी मदद करेंगे। और इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि हमारी ग्रीस फास्ट तरीके से बननी शुरू हो जाए, समय की कमी है और वो चाहते हैं कि रिजल्ट और तेजी से मिले, तो उन लोगों को बेली ड्रॉप्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बेली ड्रॉप्स एक ऐसी चीज है जिसकी सिर्फ 2 से 3 बूंदे रात को सोते समय नाभि में डालनी है, और पहले महीने में ये कमाल दिखा देता है, ये ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है। और अगर ये जो मैंने चीजें बताई हैं और जो आगे बताने जा रहा हूं, इनको आपने अपनी लाइफ में साथ में शुमार कर लिए, तो रिजल्ट बहुत गजब के आएंगे। अगर किसी को साथ में दर्दें और सूजन है और मजबूरन पेन किलर खाना पड़ रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेटल बाम और बेटल ऑयल का भी इस्तेमाल साथ में कीजिए, ताकि आपको पेन किलर ना खानी पड़े, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक पेन किलर खाने से लिवर और किडनी डैमेज हो सकते हैं, राइट। तो आखिरी चीज के बारे में हम बात करेंगे, वो है चुकंदर। चुकंदर जो है इतनी जबरदस्त चीज है, जो पूरे शरीर में ताकत देती है, जो पूरे जोड़ों में ताकत देती है, जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इतने सारे मिनरल्स और विटामिंस हैं कि जो इंसान इसको लेना शुरू कर देगा, 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसको ऐसा लगेगा मेरा जैसे स्टैमिना भी बढ़ गया। ये मांसपेशियों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है, ताकत देती है, बल देती है, जोड़ों में बल देती है, राइट, और ग्रीस बनाने का भी काम करती है, राइट। तो जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई हो, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो, उनको चुकंदर का रस पीना ही चाहिए। चुकंदर के रस में आप अगर थोड़ी गाजर और आंवला मिला लें तो मजा आ जाएगा, राइट। तो मैं ये तीनों चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में शुमार करनी चाहिए, अगर घुटनों की ग्रीस की समस्या है तो, राइट, या जोड़ों में कहीं पे भी ग्रीस की समस्या है तो आप इनका साथ में इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कुछ अच्छा भी सीखने को मिला होगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।